मध्य प्रदेश समय सरकार अपनी तारीख में लगी है और 20 साल की अपनी उपलब्धि गिनाने के साथ साथ सरकार की नाकामयाबी विपक्ष से सवाल पूछकर कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया 20 साल सत्ता में, लेकिन सवाल विपक्ष के नेता कमलनाथ से पूछ रहे हैं, जिस पर सभी को हैरानी। इसके अलावा टीबी उन्मूलन के लिए सरकार लगी हुई है। सरकार की कोशिश है कि साल 2026 तक इस तरह की बीमारियों का संपूर्ण उन्मूलन हो जाए। उधर 13 मार्च को कांग्रेस राजभवन का घेराव करने जा रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार 20 साल सत्ता में, लेकिन साल 2003 के पहले की नाकामियों को कोस कोस कर सत्ता में बनी। हालात यह है कि उस दौर का हजारों करोड़ कर्ज आज लाखों करोड़ में हो गया, फिर भी कांग्रेस कोस कर जनता से वोट मांगने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता। इस मामले में शिवराज सिंह चौहान जैसा कोई दूसरा कलाकार भी नहीं है। ये वजह की 20 साल सत्ता में रहने वाला आदमी 1.5 साल से भी कम समय तक रहने वाले कमलनाथ से सवाल पूछ रहा है। झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चवेना, उनका झूठी लेना और झूठी देना होता है। भोजन भी झूठे ही होता है और झूठी उनका चबाना होता है। मैं रोज जवाब मांग रहा हूँ, आज तक जवाब नहीं दिया। आज मैं फिर कह रहा हूँ, कमलनाथ जी आपने अपने महाझूठ पत्र में ये वादा किया था कि देवी अहिल्याबाई होलकर निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत बेटियों को फ्री शिक्षा और रियायती दरों पर दो पहिया वाहन के लिए ऋण दिया जाएगा और आरटीओ से निशुल्क वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा। अब मैं बार बार पूछ रहा हूं कि बेगा भारिया सहरिया जैसी मेरी बहनों के 1,000 रुपया जो हम देते थे अपनी सरकार में, वो छीनने का पाप तो आपने किया ही, ये वादा क्यों पूरा नहीं किया? उधर हर छोटे बड़े मौके पर उत्सव मनाने वाली शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोलने जा रही है। 13 मार्च को कांग्रेस द्वारा प्रदेश व्यापी घेराव का ऐलान किया गया है। प्रदेश की कांग्रेस समिति के सक्रिय पदाधिकारी राजू सिंह ने बताया कि हर आम आदमी की आवाज उठाने के लिए रोशनपुरा से लेकर राजभवन तक कांग्रेस घेराव करने जा रही है। कमलनाथ जी के निर्देशन पर हम लोग 13 तारीख को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में शासन कर रही है, चाहे अडानी का मामला हो, चाहे बढ़ती हुई महंगाई का मामला हो, अत्याचार का मामला हो, अल्पसंख्यकों पे, अनुसूचित जाति जनजाति पर, महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर जो हम लोग चाहते थे कि पार्लियामेंट और असेंबली के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं, लेकिन हमारी आवाज़ सुनी नहीं गई। हम लोग इन सभी मुद्दों को लेकर सभी कांग्रेस के साथी, पूरे प्रदेश का एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, हमारे मंडल सेक्टर से लेकर ब्लॉक जिला और प्रदेश के पदाधिकारी सारे लोग 13 तारीख को यहां पर एकत्रित होकर जवाहर चौक से राजभवन का घेराव करने जाएंगे। एमपी सरकार जहां चुनावी साल में कमलनाथ को घेरना कोई मौका नहीं छोड़ रही, वहीं कृषि के क्षेत्र में झूठे आंकड़े पेश करने से भी बाज नहीं आ रहे। प्रदेश के मुखिया कृषि के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धि गिना रहे हैं, जबकि विधानसभा में चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ ने सरकार की हकीकत सबके सामने रख दी थी। दरअसल सरकार दोनों सीजन यानी रबी और खरीफ की फसल की कुल बुआई का आंकड़ा सबके सामने रखकर बताने की कोशिश कर रही है कि उसके दौर में एमपी गजब है। अब ये झूठ का सिलसिला जारी है। अब बढ़ा के हमने कर दी 45 लाख हेक्टेयर और 65 लाख हेक्टेयर पे काम चल रहा है। औद्योगिक विकास दर 1-2 की अगर आप देखें तो ये थी केवल उस समय 1-2 में -0.61%, जो 22 देश में बढ़ के हो गई 24%। हमको काम और करना है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन हमने जो किया वो कम नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य को जो कभी बीमार कहलाता था, और मित्रों इस साल का जो बजट है वो हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन की तरफ इशारा करता है। पिछले बार बजट का आकार था 2,79,237 करोड़, अब हम 3 लाख करोड़ के क्लब में शामिल हो गए हैं। आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, यह हमने संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश ने कह तय किया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए, $550 बिलियन की इकोनॉमी हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे। उधर साल 2026 तक मध्य प्रदेश को टीबी उन्मूलन के लिए तैयार करने के लिए सरकार काम कर रही है, इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार कोई मौका जागरूकता का नहीं छोड़ रही है, इसको लेकर राजधानी भोपाल में कार्यक्रम हुआ जिसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सरकार की नीति और योजनाओं पर प्रकाश डाला। कोई पेशेंट अगर किसी को है तो वो तत्काल अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाए, जाँच कराए, उसको जरा भी थोड़ा सा
शक होता है, कभी क्या फीवर भी आता है, खांसी भी कभी आती है, खांसी भी नहीं भी आ रही है, और वीकनेस अगर आ रही है, अगर वो एक्सरे कराता है, वो अपनी टेस्ट कराता है, तो उससे उसको अपनी बीमारी का पता लगता है। काफी हम लोगों ने अभी 2022 में लगभग 1,86,384 टीबी मरीजों को इसमें खोजा है मध्य प्रदेश के अंदर, और उनका ट्रीटमेंट भी हम लोगों ने शुरू किया है। ये 2018 से 23 तक ये टीबी प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश में हम लोग अभी 6,67,184 को कम से कम इन लोगों को पोषण योजना के अंतर्गत एक ना एक लाभ इनको दिया गया है।